पहले तो इस बात की बहुत खुशी है कि पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई हमारी, उस कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत जबरदस्त था, बहुत शानदार था। जो हमारे स्पीकर्स थे, दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब, एंड सो डिड द ऑडियंस, और रेदर आई वुड से द पार्टिसिपेंट। काफ़ी एक्टिव था, काफ़ी इंटरेक्टिव भी था, क्वेरीज भी थी। वहाँ से हम लोगों ने जो हमारा फोरम है उसकी जर्नी शुरू की थी, अच्छा लगा। और उसके बाद आज सब लोगों को यहाँ देख के, और ख़ास बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री से हूँ तो रिपीट ऑडियंस देख के बहुत अच्छा लगा। आई एम लाइक यू विल अप्रिशिएट दैट, रिपीट ऑडियंस है, फिल्म हमारी हिट है। सो इस बात पे इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है, और मैं ये कहूँगा कि आप जो इंदौर से, इंदौर के बाहर से आए हैं, डेफिनेटली दे ऑल नीड टू बी अप्रिशिएटेड। एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ इंदौर चैप्टर फॉर यू नो ब्रिंगिंग दिस फोरम टू दिस काइंड ऑफ लेवल। एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन राजीव एंड हिमांशु, दीज आर द टू पिलर्स हियर, सो वन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। कल प्रॉब्लम स्टार्ट। मेरी कुछ मैसेजेस, मेरी कुछ पोस्ट, जो लोग व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, मेरे ख्याल से बीच बीच में आपको पढ़ने का मौका मिलता होगा, है ना। आहो मेरा ट्रेडमार्क है, तो मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं उसको। ये प्रेजेंटेशन भी मेरे जैसा ही है, जितना मैं इनफॉर्मल हूँ जिंदगी में उतना ही ये प्रेजेंटेशन है। और मैंने इंदौर की जो चैप्टर है उसके सामने ये प्रेजेंटेशन जो है वो हो चुका है, तो इसमें से बहुत कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं बहुत अच्छे से, जो भी व्हाट्सएप पे कनेक्टेड होंगे वो जानते होंगे, है ना। तो एनीवे, लेकिन विल टेक अ स्टार्ट। तो सब्जेक्ट है डब्ल्यू डी गैन थ्रू माई लेंस। ओके, वाई थ्रू माई लेंस? बिकॉज डब्ल्यू डी गैन को पढ़ना और उनको डिकोड करना बहुत मुश्किल काम है। बिफोर आई स्टार्ट एंड आई प्रोबेबली टेक इट फर्दर, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है, आप में से जो मुनासिब चाहे वो उसका जवाब दे सकता है कि डब्ल्यू डी गैन जो है ये चीज क्या है, ये मिथ है कि रियलिटी है, क्या है, क्या इस व्यक्ति ने पैसा बनाया था क्या, पहली बार वाकई बनाया था, नहीं बनाया था। तो एनी वन ऑफ यू जिसने गैन के बारे में कुछ पढ़ा हो या कहीं से मालूम पड़ा हो तो वो बताएं मुझे और ऑडियंस को भी एनलाइटन करें। एनी मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इन्होंने ट्रेडिंग से नहीं बनाया था, पब्लिशिंग से ज्यादा पैसा बनाया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एनीथिंग एल्स? हिज स्टडी प्राइमरी बेस्ड ऑन पिरामिड ऑफ इजिप्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका, हाँ, इनका कहना ये है, एंड ही इज प्रीटी बैंग ऑन टारगेट कि भाई पैसा पब्लिशिंग से ज्यादा बना है, तो फिर राजू चौक से प्रेजेंटेशन क्यों कर रहे हैं? एनीवेज, नेक्स्ट वन जी। के बेटे के साथ जो इंटरव्यू हुआ था और जो न्यूज़पेपर में छपा था उस हिसाब से पब्लिशिंग से ज्यादा पैसा बना था, लेकिन इनके जो रिजल्ट्स है, ट्रेडिंग रिजल्ट्स, वो भी काफी मतलब एक्यूरेट रह चुके हैं। तो और इन्होंने ट्रेडिंग से नहीं बनाया, दैट मींस कि दिस थ्योरी इज फेलियर। कुछ लोगों में गट्स नहीं होते हैं, एनालाइज अच्छा कर लेते हैं लेकिन दे कैन नॉट ट्रेड। एब्सोल्यूट, सम टाइम आई आल्सो फील माय सेल्फ लाइक दिस, सो इसलिए उसका कोई ये नहीं है कि उनकी थ्योरी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल। आपके यहाँ से भी एक शख्स को वो अपने साथ यूएस लेके गए हैं, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। ओके, इज ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने कुछ ट्रेड्स डाले थे जिसमें वहाँ की कोई बहुत बड़ी लीगल सेल, सॉलिसिटर कंपनी है कोई बड़ी, जिसने उन ट्रेड्स को रियल टाइम मॉनिटर किया है और वो भी रिकॉर्ड पे है ना। तो बातें दोनों सही हैं, बातें ये भी सही हैं कि उनका जो ट्रेडिंग का ट्रैक रिकॉर्ड है जो कि डॉक्यूमेंटेड है, जिस पीरियड में उन्होंने ट्रेड डाले, डेफिनेटली जो सक्सेस रेट था दैट वाज मोर देन आई बिलीव 96-97% सक्सेस रेट, है ना। तो वो 97% का उनका सक्सेस रेट है, मेरा 30% का सक्सेस रेट है। आई एम स्टिल मेकिंग मनी, आई हैव नो हेजिटेशन इन एक्सेप्टिंग दैट आई मेक मनी कंसिस्टेंटली एवरी ईयर। तो 96-97% वाला बहुत कुछ बना सकता था, बट मैं इनसे वहां एग्री करता हूँ कि कई बार ये होता है कि हम लाइफ में ऐसा कॉल ले लेते हैं
जहां वो कॉल का साइज और प्रोबेबली इनडिसिप्लिन, तो कई लोग हैं जो आपको बूम और बस्ट की साइकिल में उलझे हुए मिलेंगे। हो सकता है कि ज्ञान साहब के साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा, तो एनीवेज जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे लिए भी वो डा विंची कोड थे, आधी बातें तो बाइबल की कह देते हैं बीच बीच में, तो 40 पन्ने पढ़ो तो काम का शायद एक सेंटेंस भी नहीं मिलता था, बट समवेयर आई सॉर्ट ऑफ यू नो स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इट। अब वेलकम, सोया नरेश को सलाम एक्सप्लोर करें। तो आज के मेरे सेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं उसका कुछ पार्ट जो मैंने अपने ढंग से इंटरप्रेट किया है, ऐसा ज्ञान ने लिखा नहीं है, है ना, लेकिन यानी ऐसा समझाया नहीं, लिखा कुछ है, मैंने अपने ढंग से उसको इंटरप्रेट कर दिया, तो विल प्रॉब्ली स्टार्ट विद दैट। ठीक है, बहुत ही एलिमेंट्री है, मैथमेटिकल है, बहुत सिंपल है, लेकिन लेकिन बहुत इफेक्टिव है। मैं आज जो भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ इस समय, वो पूरा आपके सामने आ जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग, उसमें मेजर पार्ट WD ज्ञान से, एक छोटा सा पार्ट है SAP, जो काफी मेरे इंदौर चैप्टर वाले जानते हैं, उस SAP को भी बहुत ब्रीफली हम टच कर लेंगे, बिकॉज SAP रिमेन्स अ पार्ट ऑफ माई ओवरऑल सिस्टम, राइट। सो वी बिगिन, मिथ और रियलिटी आई बिलीव वी हैव कवर्ड, राइट। So this presentation is all about what we have learned in possibly standard 1 or standard 2 mathematics. ठीक है? इसकी simple premise ये है कि prizes will move from one square to another. तो अगर पहला square है, पहला natural square है 1/1. Okay? अब हम 1 के ऊपर हैं अगर और sustain कर रहे हैं, तो we will go to 4. ठीक है? 4 के ऊपर हैं, sustain कर रहे हैं, तो we'll go to 9. ठीक है? 9 के ऊपर है तो विल गो टू 16। वेल आशु सर, हाँ ओके, ये आ गई हमारी ISGEC, जो हमारी बात थी कल ISGEC पे, तो वो जो बाइंग मोमेंटम क्रिएट हुआ था आशु, वो 16 के ऊपर हुआ, हाँ 1600, हमारे लिए 16 इज एवरीथिंग, इट इज 16, 1600, 16,000, हम डिजिट्स के हेरफेर में नहीं जाते हैं, बट जस्ट ब्रिंगिंग बैक दैट डिस्कशन व्हाट वी हैड दैट डे, एंड यू नो हाउ क्विकली इट मूव टू 35 and 49, 36, 49, ओके, ठीक है। अब ये जो मैं कह रहा हूं कि भाई ये दे मूव फ्रॉम वन स्क्वायर टू अदर स्क्वायर, ये क्या है, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, है ना, लाइफ में कोई भी चीज श्योर नहीं होती है डेथ के अलावा, डेथ इज द ओनली एंड टैक्सेस, ठीक है। तो हिमांशु भाई क्या है, कितना ही ट्रेडिंग कर लें, टेक्निकल एनालिसिस कर लें, उनके अंदर का चार्टर्ड अकाउंटेंट रिसर्फेस हो जाता है कहीं ना कहीं से, है ना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। सो इफ आई एम होल्डिंग ऑन अ स्क्वायर ऑफ 1, आई एम लाइकली टू गो टू 4, इफ आई एम होल्डिंग 4, आई एम लाइकली टू गो टू 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, so on so forth. I believe no confusion here. Is that clear? Chai bhai pilaun. Okay. अब ये है कि ये तो मैंने आपको वैसे समझा दिया, इसको हम चाहें तो एक सर्कुलर स्पाइरल में भी अरेंज कर सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे कि कैसे सर्कुलर स्पाइरल में वो अरेंज होती है, है ना। और डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम वन स्क्वायर, जैसे 4 × 4 = 16 टू 25 इज 180 degrees। 180 degree क्या है, हाफ ऑफ अ सर्कल, ओके। अगर मुझे फुल सर्कल पे जाना है, 360 करना है, यू नो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनीबडी, ये तो 180 का डिस्टेंस कवर हुआ, 180 degrees। सपोज मैं 4/4 से मुझे 360 डिग्री जाना है, 16 से 360 जाना है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए 4 × 4 = 16, नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या था, 5, इनके बीच 180 कवर हुआ, अगर यहां पे मैं डाल दूं 6 × 6,
तो अगर मैं 16 से 36 जाऊंगा, अगर मैं 16 से 36 जाऊंगा तो मैं पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर दूंगा। थोड़ा सा मुश्किल है समझना, क्योंकि हमको आदत है प्राइस को लीनियर फॉर्म में देखने की। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको स्पाइरल के फॉर्म में दिखाने के लिए, लेकिन उसको स्पाइरल में देखना आप लोगों के लिए विजुलाइज करना कोई जरूरी नहीं है, उसको जरूरी नहीं है वो स्पाइरल हमारे दिमाग में आए, जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्चुअली समझिए कि अगर मैं एक इवन स्क्वायर से 4x4 क्या है, 4 इज अ इवन नंबर, 4x4 से 6x6 का अगर मैं डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा ना, और जब इसको सर्कुलर फॉर्मेट में मैं आपको दिखाऊंगा आगे, तो आपको दोनों नंबर एक ही लाइन पे अरेंज होते हुए दिखेंगे, यानी 16 और 36 दोनों एक ही जगह एक ही लाइन पे दिखेंगे। एक लाइन पे सर्कल पे दिखना मींस दे आर ऑन लाइन ऑन द सेम डिग्री, दे आर लाइन ऑन द सेम डिग्री। तो वो पूरा 360 कैसे कवर होता है हम आगे देखते हैं उसको, राइट। इसको लेके परेशान ना हो, ये बहुत छोटा सा पार्ट है। जैसे ये अब मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, दिस इज अ ऑड स्क्वायर 5x5, यहां से अगर मुझे चलना है तो 7x7 तक जाऊंगा तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा 49। इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 24 पॉइंट्स, है ना। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप वो सर्कल को इमेजिन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं ज्यादा टेंशन मत लो, वो कहीं काम नहीं आएगा हमें, वो मुझे समझाना जरूरी है कि कैसे अगर उसको एक सर्कुलर फॉर्मेट में हम करेंगे। आपके लिए समझने लायक पॉइंट जो है वो सिर्फ ये है कि ये 24 पॉइंट्स हैं। अब ये 24 पॉइंट्स का जो डिफरेंस है, इसके लिए उसने क्या किया, पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया, करेक्ट। इसका मतलब ये है कि ये जो 24 पॉइंट्स हैं दे रिप्रेजेंट 360 डिग्रीज, एग्रीड है, एनी कंफ्यूजन हियर। पीछे द बैक वेंचर्स, आप लोग मुझे मेरे कॉलेज का वक्त याद दिला रहे हो, मैं बैक वेंचर भी था लेकिन रेयरली होता था, वहां भी नहीं होता था, बट एनीवेज क्लियर है आशु, क्लियर है। तो मेरा सिंपल ये कहना है कि ये 24 पॉइंट्स हैं और ये 360 डिग्रीज हैं, है ना। गैन साहब का ये कहना था कि 45 डिग्री, उनका बुक भी है 45 ईयर्स थ्रू टनल और क्या क्या है, तो उनका कहना था कि भाई 45 डिग्री का एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप 360 को 45 से डिवाइड कीजिए, कोई एक बंदा डिवाइड करे फटाफट बताए क्या है, 8/9 है। तो मैं सिंपल ये करता हूं भाई मेरे कि ये 24 पॉइंट थे मेरे, ठीक है, इनको 8 से डिवाइड कर देता हूं तो कितने आए, 3 पॉइंट आए, ठीक है। अब हम सीधे रोड मैप पे आ जाते हैं, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 25, मेरा एक सेक्शन का पॉइंट इंपॉर्टेंट सेक्शन का पॉइंट क्या आया 3, शुरू हो जाओ 25 28 31 34 37, ठीक है। उसी एग्जांपल को यहां ले लेते हैं, ये था 25, ये है 49, ठीक है, ओके। पहला 45 डिग्री यहां आएगा इसका, इट इज गोइंग लाइक दिस, है ना, 25 से देखिए 26 27, सो दिस गोइंग लाइक दिस, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो 25 टू 41 जाना है मुझे, 8 जगह ऐसी है जहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी आप कहना चाहें वो मिल सकता है, तो वो पॉइंट्स यहां आ गए 28 31 34 37 40 43 46 49, ठीक है, ओके। तो ये क्या है, ये वो पॉइंट्स हैं आपके जो ट्रेडेबल पॉइंट्स हैं। कि अब हम 25 से चले, होता क्या है, मैंने कहा कि 25 से चलो तो 49 तक आएंगे, तो जरूरी थोड़ी है यार, पिताजी का राज थोड़ी है कि 25 से चले तो 49 तक आएंगे ही आएंगे, है ना, मार्केट है यार उसकी मर्जी है। लेकिन 25 से चले तो 28 आ गया या 31 आ गया, 31 आ गया तो मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया 28 पे, 31 से 34 आ गया तो जस्ट बिलो 31 30 पे मैंने उसको ट्रेल कर दिया। दिस इज हाउ आई कैन कीप ऑन लॉकिंग और बुकिंग माई प्रॉफिट वॉट एवर वी वॉन्ट, है ना। आप में से कितने लोग हैं जो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हमारे फोरम में, क्वाइट अ फ्यू, आई मीन ऑलमोस्ट 75% ऑफ यू, राइट, है ना। तो मैं काफी उसमें अजीब अजीब सी बातें लिखता रहता हूँ, माइक्रो रोड मैप और मैक्रो रोड मैप और वो सब, है ना, वो यही है, राइट, है ना, वो यही है। एंड आई बिलीव सम ऑफ यू हैव बीन बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। अब जो मैंने आपसे 360 डिग्रीज की बात कही थी उसको भी हम एक बार देख लेते हैं।
कि 25 यहां था, यहां से मैंने पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया, वापस आया तो 49 पे आ गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरा 360 कंप्लीट हो गया, एग्रीड। अगर मैं 180 डिग्रीज पे जाता, ये मेरी 360 की लाइन है, यही लाइन इस तरफ जो दिखा रही है वो मेरा 180 डिग्रीज है, तो 25 से चलूंगा तो 37 विल बी माय 180 डिग्रीज, है ना। परफेक्ट स्क्वायर वहां होता है 36 का, लेकिन चूंकि हमको लाइन अरेंजमेंट में हमको जमाना था, हमने क्या किया, जितने हमारे इवन स्क्वायर होते हैं, इवन स्क्वायर प्लस 1 हमने किया हुआ। देखिए इवन स्क्वायर की लाइन ये है, ओके, 16 36 64, हमने वो न लेते हुए यहां से सिमेट्री मिलाते हुए तो 16 has become 17, 36 has become 37, क्योंकि ये लाइन हमें मिलानी है, राइट, ओके। तो अगर 180 डिग्रीज निकालना है तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अच्छा, अब पहली क्वेरी है, इफ द मार्केट इज होल्डिंग अबोव 46, वाई अबोव 46, सो आई कॉल इट 45 31, इफ द मार्केट इज होल्डिंग अबव 45 31, उसको शॉर्ट में 46 पकड़िए, तो उसका पहला 180 डिग्रीज का टारगेट क्या होगा? गुड, 6113 का एक बार मस्त टॉप बना के वहां से नीचे गिरे थे, जब 45 31 से शुरू किया था तो 6113 बना के फिर वहां से गिरना शुरू किया था, ठीक है, ओके। अब दूसरा सवाल ये कि इफ द मार्केट इज होल्डिंग अबव 51 5119, तो उसको 51 या 52 समझ लें, तो पहला 360 डिग्रीज का रोटेशन कहां कंप्लीट होगा? 83। हां 51 है, 51 के पास वाला नंबर देखो 360 में, 84 85, ये सब हुआ है कि नहीं हुआ है? हो गया 8600 हो गया है ना, गुड, ओके। 9118 यानी कि 91, कहीं दिख रहा है, कहीं कार्डिनल ये जो लाइंस हैं जो येलो मैंने बनाया हुआ है उसमें कहीं 91 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ओके। अब 91 से गिरना शुरू करूंगा तो 86 आया या नहीं आया? आया, तो सर हो गया, प्रेजेंटेशन इज ओवर, ठीक है, है ना। तो वो बहुत सारी बहकी बहकी से बातें करता रहता हूं, 81 से 86 होगा, 86 से 91 होगा, 91 से 96 होगा, है ना, वो दिख रहा है यहां पे कि नहीं दिख रहा है? 81 से 86 और 86 से 91 से 96, है ना। आशु का है बैंक निफ्टी चैंपियन, हाँ भाई कहाँ है अभी बैंक निफ्टी, कहाँ पे अभी? 18613 है ना, दो डिजिट लगा दो तो क्या बचा? 186 बचा, 186 कहाँ है? 183 और 190 के बीच है, तो मैं बार बार उसमें लिखता रहता हूँ अजीब सा, 183 190 197 204, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्लियर? एनी क्वेरीज हियर? हाँ, सब आपको सब यही मिलेगा, मक्का मदीना यही है, सब मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है? एनी क्वेरीज? एनी कोट अबाउट 2000 और उसमें लास्ट डिजिट हटाना है, लाइक सपोज, और आई कम टू दैट, ओ यस आई कम टू दैट। मेरा क्या बोलना है, बहुत सिंपल सी बात है, ये प्लेग्राउंड है हमारा, आप मुझसे पूछेंगे कि हाउ डू यू ट्रेड, तो मेरे दिमाग में आप कोई भी नंबर अभी बोलेंगे, कल हमारी चांदी को लेके कुछ बात हो रही थी, मनीष चांदी को लेके हमारी कल कुछ बात हो रही थी, तो उसने कहा कि वो कुछ 63500 पे हमने किया, मतलब शॉर्ट किया था, तो मैंने कहा भाई 63500 मतलब हमारा तो ये था 64, तो मैंने कहा यहां से गिरोगे मतलब इस लाइन से गिरोगे तो 49 तक आओगे, तो मनीष भाई ने तुरंत कंफर्म कर दिया कि सर वो तो क्या 2-4 दिन में आ गया था या क्या हुआ था, वो 2 दिन में आ गया, है ना, ऐसा कुछ चांदी में हुआ था। तो मेरा बोलना है कि चांदी कहाँ है, शायद 63500 है, लेकिन मेरे लिए एक साथ मेरी सारी बत्तियां जलती हैं, सबसे पहले 2 डिजिट की बत्ती जलती है मेरी, फिर 3 डिजिट की जलेगी, है ना, फिर 4 डिजिट की जलेगी, है ना, और 5 डिजिट की भी जलती है, तो मैं अपने हिसाब से देख लेता हूँ, मेरे दिमाग में सारा एक्सरे एक साथ चल रहा है, सारा,
2, 3, 4 जितना छोटा वो होगा, देखिए जितना छोटा मैं डिजिट का इस्तेमाल करूंगा मेरे टारगेट उतने बड़े आएंगे. तो यू गेट सम आंसर टू योर क्वेरी, राइट? एनीथिंग एल्स? सो आई मीन नेक्स्ट विल बी 36 to 49 सपोज एक हो गया तो 36 ईयर्स है. लाइफ सिंपल है, मेरा बोलना है जब तक वो 49 के नीचे है तो 36 जा सकता है. लेकिन 36 जाएगा कैसे? जाएगा कैसे? वो 49 से वो आएगा 46 पे, 43 पे, 40 पे. ये तो मार्केट मोमेंटम आप और मैं डिफाइन नहीं कर सकते. वो भाई को 2 ही दिन में 3 दिन में ही मिल गया है ना, 2-3 साल भी लग सकते थे. और हो सकता है 43 करके लौट जाए, है ना? ठीक है, हमको एक्शन कैसे लेना है, आई विल कम टू दैट. कैसे एक्शन लेना है, मैं अभी मैंने कहा पहले बेसिक्स हो जाए सारे. एनी क्वेरीज? बैक बेंचर्स डन. नेक्स्ट सर, वो नील वाला साहब कह रहे सवाल आप बजाएगा. हाँ, इसकी तो उन्होंने चक्री सर बहुत ज्यादा घुमा दिया था, लग रहा है. आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? मेरा बोलना है 1.25 लाख हो जाए निफ्टी. बात सिंपल है मेरी कि जब निफ्टी 1.25 लाख हो तो मेरी पॉकेट में निफ्टी के कम से कम महीना मेरा पॉकेट में आना चाहिए ऊपर नीचे खेलते हुए, तो उसके 1.25 लाख होने का मतलब है. तो हम तो हमारे पॉइंट्स पे ट्रेड करते जाएंगे, झुंझुन वाला साहब को गाते चले जाएंगे. और झुंझुन वाला साहब को 1.25 लाख कराना है तो बहुत सिंपल बात है, मेरे सैप नंबर के ऊपर हर 6 महीने में वो ऊपर ही चलाएंगे. तो हम 2 पोर्टफोलियो बना देंगे, 1 ओनली लॉन्ग नरेश, एक सिर्फ लॉन्ग पोर्टफोलियो जिसको अपन ना चाहते हुए या चाहते हुए छेड़खानी नहीं करेंगे, और दूसरा हमारा ट्रेडेबल रहेगा. और मेरा अभी भी विश्वास है कि जिस पार्ट पे हम ट्रेड करेंगे, जिस पार्ट पे हम ट्रेड करके पॉइंट्स निकालेंगे, वो पार्ट ज्यादा पैसे मुझे देके जाना है वाला बनिस्बत लॉन्ग ओनली पैसिव पोर्टफोलियो. मैं पैसिव पोर्टफोलियो के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा भी है, मेरे पास भी कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो हैं, लेकिन स्क्रिप्ट्स उनकी जगह हैं, है ना? लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी जो है उसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह. इज दिस स्लाइड क्लियर? बिकॉज दिस इज द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग. इसमें कोई क्वेरी तो नहीं? आशु उसका लो क्या था अभी अपना बैंक निफ्टी का? ये कहां से पलटी, कहां से नीचे से जो पलटे अपन? हां 1776 के आसपास होना चाहिए मेरे ख्याल से, 1700 है ना, 176 मान लेता हूं, ये नंबर है ना? ठीक. सिल्वर भी 34 का लो बना के, सिल्वर का भी 34000 का लो है, मतलब उसको अभी 37000 के ऊपर है, नीचे तो आप जानते हो क्या करना है उसमें. ठीक है, नाउ दिस आंसर्स योर क्वेरी कंप्लीटली. मैक्रो एंड माइक्रो रोड मैप, 2 डिजिट्स में कैसे चलना है हमने देखा ही है, 49 53 57 61, है कि प्रीवियस स्लाइड पे लेके जाऊं, लेके जाए बिल्कुल ले. ये प्रेजेंटेशन भी सब हमने कर दिया है ना, लोड मतलब कि दे कैन टेक इट ना फ्रॉम द साइड से भी, ये भी हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें. आहो क्लियर ये, है ना? तो मैंने थोड़ा सा तो आइडिया दिया कि कैसे वो रूट मैप बनेगा, है ना? तो ये 49 53 57 61 65 69, 81, 86, 91 से तो आप में से कई लोग फेमिलियर हैं कि नहीं है? yes. जो मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि अभी ये रेंज चल रही है इस समय, ये 81, 86, 91 दिख रहा है सर, कार्डिनल पॉइंट्स हैं, ये जो एक्सेस पे लाइंस हैं, दीज आर 45 डिग्री लाइंस, है ना? जीरो से मैं शुरू होता हूँ, ये 90 डिग्री की लाइन है, 0, 45, 90 करके पूरा यहाँ 360 कंप्लीट हो जाता है. क्लियर? तो 2 डिजिट से क्या निकल के आया है वो आपको दिख गया है, 3 डिजिट इंटरेस्टिंग है, है ना? अभी कहां बैठे हैं? 8560 के ऊपर बैठे हैं ना, 8560 के ऊपर है, दिख रहा है 841 856 871, है ना? ये 86 टू 87 का बैंड है, थोड़ा ख्याल रखिएगा मंडे ट्यूसडे को, है ना? देखते हैं क्या होता है. लेकिन इसमें मेरी एक क्वेरी है कि 841 856 871 ये मैंने निकाला कैसे?
हाँ तो निकाला, लेकिन स्पाइरल डेट टेल लगाने हैं हमको, तो अभी निकालना है कैलकुलेटर से, कैसे निकलेगा? इंदौर चैप्टर वालों, 841 क्या है उसका सीधी सी बात है, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे 841 से मैंने शुरू किया है, एक दो लोग कैलकुलेटर लें अपने स्मार्टफोन का और मुझे इसका स्क्वायर रूट बताएं। 29 का। अब एक काम करें, 30 का भी मुझे स्क्वायर रूट बताएं, उसमें प्लस 1 कीजिए क्योंकि हम वहां पे 901 में से 841 घटाइए फटाफट, 60 ठीक है, करेक्ट, ओके। तो आप 60 को चार हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। चार हिस्सों में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑड और इवन का लिया है हमने। अगर मैं ऑड टू ऑड लेता तो 360 होता, अभी मैंने 180 डिग्री लिया। 841 टू 901 इज 180 डिग्री, उसको चार हिस्सों में डिवाइड करना है। मेरा टोटल जो नंबर आया उसको 60 को डिवाइड किया चार से, 15 आ गया। 841 में 15 जोड़िए, 856। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 29 का आपका स्क्वायर था 841, है ना? मैं चाह रहा हूँ कि 28 का स्क्वायर भी निकालें। Can somebody take that out? उसको प्लस 1 कर दो, 785 और 841 का डिफरेंस निकाल के दो मुझे। 56। अब एक काम करो, 56 को डिवाइड किया 4 से तो कितना आया? 14। अब 841 में से 14 घटाइए, 841 माइनस 14 827। उसमें 827 कैन बी 827 आल्सो, एंड आई थिंक वी ऑल नो व्हाट हैपेंड 2 डेज बैक 18270, राइट? डन। इंसिडेंटली वो हमारा सेफ नंबर भी है, ठीक है। अब हमारी इच्छा है 2 डिजिट से खेलना है, 3 से खेलना है, 4 डिजिट में आप देखिएगा पॉइंट्स कितने कम हो गए। मैं 8649 से खेलना शुरू करूंगा, इंट्राडे खेल सकता हूं, तो 8698 पे ही मैं थक जाऊंगा, है ना? तो ये हो गए आपके 4, और 5 निकालूंगा तो और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? सो वी नो व्हाट टू डू। ये एक एग्जांपल मैंने दे दिया कि कोई भी एक नंबर आप निकाल लें, जैसे कोई एक नंबर है 8150, है ना, उसका स्क्वायर रूट निकाल लें, उसका स्क्वायर रूट आ गया 90.27, ठीक है? तो हमें करना कुछ नहीं है, 90.27 है तो ये 90 और 91 के बीच है, करेक्ट? Yes. तो मुझे कुछ नहीं करना है, 90.25, 90.50, 90.75 और 91, इनका स्क्वायर निकाल लूंगा मैं, सिंपल। 90 का स्क्वायर हो गया 81, फिर हो गया 8145, फिर 8190, फिर 8235, फिर 8281। ये सारे आपके ट्रेडेबल पॉइंट्स हो गए, जो बहुत छोटे पॉइंट्स में अगर आप काम करना चाह रहे हो तो इस ढंग से कर सकते हैं। तो मुझसे कोई कभी भी पूछता है कि यार इस समय ये फलानी चीज आपको कैसी लग रही है, क्या लग रहा है, तो मैं करता कुछ नहीं हूं, मैं उस पॉइंट को लोकेट करता हूं स्पाइरल पे कहीं ना कहीं, है ना? और उसके बाद मैं अपना ज्ञान बांट देता हूं, सिंपल। तो हो सकता है कि वो जो है उसका मैं स्क्वायर रूट निकालू, एक एग्जाम्पल है, एक स्क्वायर रूट मैंने निकाला तो पता लगा कि वो स्क्वायर रूट आ गया 142, जस्ट एन एग्जांपल। तो मैं उसको बोलता हूं कि भाई 145 ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर लॉन्ग क्रिएट करेंगे, या 139 ब्रेक करेगा तो उसके नीचे शॉर्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि 141 या 142 तो बीच में है, वो मेरे काम का नहीं है। मेरे काम के लिए कहीं ना कहीं मेरी कार्डिनल एक्सिस है, वो मेरे काम की है, उसमें भी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, बिकॉज दिस इज द लाइन ऑफ नेचुरल स्क्वायर, है ना? तो बाजार जब भी इसके पास होता है ना, जैसे अगर बैंक निफ्टी 6900 के पास है तो मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रेडेबल पॉइंट है वो, ठीक है? या फिर बैंक निफ्टी 19700 ब्रेक कर रही है, ऊपर से आके नीचे की तरफ 19700 ब्रेक कर रही है ना, तो सेट को ऑनर करते हुए क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकता हूं, लेकिन शायद वहां शॉर्ट करूंगा, है ना? तो मेरे लिए पर्सनली ये जो लाइन है, दिस इज माई लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। मैं जो भी करता हूं मेजर टाइम इस लाइन को ऑनर करते हुए करता हूं, क्योंकि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेचुरल स्क्वायर है, ऑड का स्क्वायर है या इवन स्क्वायर प्लस 1, ये वो लाइन रिप्रेजेंट करती है। 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, जैसे आप लोग चाहें वैसे इसमें खेल सकते हैं। डन।
अभी तक सब क्लियर है? मेरी अपनी जर्नी है कुछ 15-16 सालों की इस मार्केट में। मार्केट को शुरू किया था तो सबसे पहले एक मैकेनिकल सिस्टम डेवलप किया, जिसका क्रेडिट मेरे नरेश की तरह मेरे एक और रिच कजिन है अंशुमन विजयवर्गीय, है ना। ऑल माय विजयवर्गीय कजिन्स हैव बीन इंस्पायरिंग मी। तो अंशुमन विजयवर्गीय साहब जो थे वो जमनालाल बजाज के स्टूडेंट थे। उन दिनों में बॉम्बे में बिड़ला में काम करता था और मैं उस समय स्टॉक्स के बारे में कुछ नहीं जानता था, पूरा क्रेडिट अंशुमन को जाता है। जमनालाल बजाज से MBA करने के बाद नौकरी नहीं करना चाहते थे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं, जब वो एग्जाम वहाँ हुई थी तो ही वॉज टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी, ब्रिलियंट माइंड। उन्होंने मुझे इस मार्केट में इंट्रोड्यूस किया उस समय और हमने एक मैकेनिकल सिस्टम डेवलप किया। वो मैकेनिकल सिस्टम अभी भी हमारे पास है, उसको थोड़ा हमने टेम्परिंग कर दी है। वो कुछ भी नहीं है, मूविंग एवरेजेस के क्रॉस ओवर हैं विद सम फिल्टर्स और कुछ 17-18% के आसपास का उसका हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन है, मतलब इससे ज़्यादा ड्रॉडाउन उसमें नहीं हुआ। और हम लोग इतने कॉन्जर्वेटिव थे कि हम उसको 1:1 चला रहे हैं, जबकि हम 18% के ड्रॉडाउन में 3x तक तो अपन आराम से चला सकते थे, लेकिन वो चला रहे हैं। 20-25% 30% साल का रिटर्न उस पर भी आता है। वो सिस्टम अवेलेबल है, आप में से जो भी चाहे मैं उसको वो सिस्टम मेल कर दूंगा। वो सिस्टम की बात इसलिए कर रहा हूँ कि उससे हमारी कहानी शुरू हुई। और अंशुमन भाई ब्रिलियंट माइंड, कुछ साल बाद काम करते हुए बोर हो गए, है ना। तो वो एक्सप्लोरेशन पे थे अपनी लाइफ के, तो वो कहीं और चले गए। मुझे मैकेनिकल सिस्टम अच्छा लगता था, लेकिन मुझे ये लगता था कि यार कुछ और भी होना चाहिए, है ना। वो सिस्टम की मजबूरी ये है कि उसमें आप मार्केट में हमेशा हो। तो वो सिस्टम अभी भी हमारे लिए प्रोप्राइटरी डेस्क पे काम कर रहा है, एक छोटी कैपिटल उस पर एलोकेटेड है, वो काम कर रहा है। वो हमको हमारा ब्रेड बटर एंड हनी दे देता है सालाना। लेकिन उसके बाद में मैंने अपनी जर्नी जो है वो शुरू की। मेरी जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये मैं बार बार लिखता हूँ फोरम में। इसके पीछे बहुत सिंपल बात है कि कोई कितना ही पावरफुल पैटर्न हो, चाहे वो हेड एंड शोल्डर हो या असेंडिंग ट्रायंगल हो, डिसेंडिंग ट्रायंगल हो और वगैरह वगैरह हो, मेरा कहना है किसी पे भी काम करें आप, स्वतंत्र हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। दे आर ऑल इवेंचुअली डूम टू फेल इवेंचुअली, लेकिन हमको हमारा स्टॉप लॉस देखना है। तो अगर मैं ये मानूं कि मेरा नेकलाइन और शोल्डर के बीच में, मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि साहब निफ्टी में है और 200 पॉइंट है, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना हो गया 200 पॉइंट्स का, मैं वो ट्रेड नहीं डालूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ नाउ, यू गाइज आर फ्री। क्योंकि भाई 200 का स्टॉप लॉस मेरी डिक्शनरी में नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे नहीं मालूम है, और अगर मुझे मालूम है कि मैं 600 पॉइंट निफ्टी तक शायद नहीं रुक पाऊं, तो मुझे चाहिए 600 पॉइंट। अगर मुझे 600 पॉइंट नहीं मिल रहे हैं या मेरी एपेटाइट नहीं है 600 पॉइंट की, तो मैं 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं डाल सकता। तो ये तो ईच इज ओन है ना? मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मॉल इज ब्यूटिफुल, है ना। तो हम जो गैंग की चक्री पे हम ट्रेड करेंगे, हम ट्रेड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर के पास उस लाइन पे, और हमारा स्टॉप लॉस वहां से होता है मेरा मुश्किल से 3 पॉइंट, मतलब 30 पॉइंट उसमें मैं काम करता हूँ। निफ्टी में मेरा टिपिकल स्टॉप लॉस है, गैन पे काम कर रहा हूँ तो 30 पॉइंट्स, सैप पे काम कर रहा हूँ तो स्टॉप एंड रिवर्स है, आई विल कम टू सैप आल्सो, लिटिल ब्रीफ ऑन सैप, वहां पे मेरा स्टॉप एंड रिवर्स है 60 पॉइंट्स। मतलब जो मैंने 8270 पे लॉन्ग किया सैप की वजह से, वहां पे मेरा स्टॉप लॉस था 8300 पे मैंने लॉन्ग किया, क्योंकि सैप 8270 है, प्लस 30 माइनस 30 वो मेरी नो ट्रेड जोन हो गया। तो 8300 पे हम लॉन्ग हो गए, 8240 पे हम डबल शॉर्ट हो जाते हैं सर, ठीक है, ओके। ऑल रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन एक्सेप्ट रूल नंबर 1, ठीक है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये है कि एवरी कॉल इज ए रैंडम वॉक, यानी मैं जब काम करना शुरू करता हूं तो मैं हर कॉल में ये मानता हूँ कि मैं तो स्टैटिस्टिकल टूल्स वाला बंदा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे पास कोई एज नहीं है।
मेरा हर कॉल वैसा ही है, इट इज लाइक फ्लिप ऑफ अ कॉइन। मैंने कॉइन उछाला, जय ने वीरू को बोला हेड तो गांव जाएंगे, टेल तो शहर जाएंगे, मैं वैसे चलता हूँ। तो हेड आ गया तो गांव जाना है भैया, अगर गांव जाना है ना, तो धीरे धीरे अब मेरा एक्सप्लोरेशन चालू होता है। मैं पहले बहुत छोटी पोजिशन बनाता हूँ, है ना। हिमांशु जी और मैं मेरे प्रेजेंटेशन के सिलसिले में मिले थे, तो कहीं पे सैप के लिए मैंने एक छोटी सी, आई टोल्ड यू कि मैंने आज एक छोटी पोजीशन क्रिएट कर ली, जो फिर वो नेक्स्ट डे मुझे मौका मिल गया, मैंने उसको बड़ा बना लिया। तो मेरा ये होता है कि हम स्टार्ट करें स्मॉल, भले पोजीशन आप इंट्राडे बना रहे हो, 8300 इंट्राडे में आ गया तो मुझे तो पोजीशन बनानी पड़ेगी, मैंने बना ली, है ना। लेकिन जब मैंने पोजीशन बनाई तो मालूम पड़ा आधे घंटे बाद ही मुझे कि भाई मेरे यू आर लकी, दिस टाइम यू आर लकी, ये बिहेव कर रहा है जैसा तुम चाहते हो। तो मैंने उसको लिवरेज करना चालू कर दिया, है ना। शाम तक उसने मुझे तूफानी कंफर्मेशन दे दी, उसी दिन समझ में आ गया था कि 200-300 पॉइंट अब निफ्टी बढ़ेगी कम से कम। तो शाम को हम और आओ थोड़ा तूफानी करते हैं, सलमान खान स्टाइल में तूफानी हो गया, उसने बड़ी पोजिशन क्रिएट कर ली। तो ये तीसरा पॉइंट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आप पोजिशन क्रिएट करें, या रेदर मैं करता हूँ, तो मैं एक बहुत छोटी पोजिशन क्रिएट करता हूँ, वेट करता हूँ शाम को 3:30 मिलेगा, 3:30 बजे वो मुझे क्या कह रहा है। अगर वो अच्छा कह रहा है तो मैं उसको काफी लिवरेज कर लेता हूँ। क्लियर। कस्टमाइज अ ट्रेडिंग प्लान टू सूट योर प्रोफाइल, है ना, जो हमें समझ में आए वही काम करना है ना। दूसरे की समझ पे काम करने जाएंगे या हर एक का अपना प्रोफाइल होता है ना। जैसे मेरा प्रोफाइल है कस्टमाइज अ ट्रेडिंग प्लान टू सूट योर प्रोफाइल, तो मैं बहुत ही लेजी ट्रेडर हूँ, मेरे को ट्रेड में कमिट करना अपने आप को अच्छा नहीं लगता है, मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ जब तक मेरे को लगे कि नहीं यार करना ही पड़ेगा। उस दिन सैप की मजबूरी आ गई तो मुझे ट्रेड डालना पड़ेगा, ट्रेड डालता हूँ तो फिर एग्रेसिव हो जाता हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं लेजी हूँ, मेरे को आप बोलोगे तो मैं दिनों दिन महीनों भी सो सकता हूँ बगैर काम। तो दैट्स मी, दैट्स हाउ आई एम। रूल ऑफ 72, इसने मुझे काफी पैसे दिए। बहुत सिंपल है, जब आपको लगे कि टेम्पटेशन हो रहा है प्रॉफिट बुक करने का, तो 25% उस समय बुक कर दीजिए। वो होता है ना, मेरे प्रॉफिट टारगेट सेट हो गए, मेरा ऑब्जेक्टिव हिट हो गया, मेरे को तो यार 300 पॉइंट ही निफ्टी में चाहिए थे और मेरे को मिल गए, तो 25% ले लिए। तरीके और भी हैं बहुत सारे, नरेश जी और मेरी बात हो रही थी तो उनका कहना था कि हम 2 डेज के लोग गए या छोटे टाइम फ्रेम पे जाके उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इज परफेक्ट इन सेइंग सो। बट मुझे लगा कि एज अ लेमैन मैं आपसे ये भी शेयर करूं कि जब मेरे को भयंकर टेम्पटेशन हो जाता है, जब नरेश जी भी मुझे समझा रहे हैं कि राजू भाई इसी वजह से तुम पुअर कजिन हो और मैं रिच कजिन हूँ, रुको, फिर भी मेरे को टेम्पटेशन हो जाता है कि नहीं यार मैं तो आज बुक करके ही दम लूंगा, तो मैं 25% उस समय बुक कर देता और 25% को 3 इंस्टॉलमेंट में डाल देता हूँ, है ना। और ये 3 इंस्टॉलमेंट ने मुझे जिंदगी में सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। इसको आप ट्राई कीजिए छोटी पोजीशन से, जिस दिन भयंकर टेम्पटेशन हो जाए आप ये सिर्फ पार्ट करें। शुरुआत में डिफिकल्ट लगेगा, है ना, लेकिन अगर आप इसको कर गुजरेंगे तो यू वुड बी थैंकफुल टू योर सेल्फ कि हाँ ये कुछ बात है। निम्बल इज द कीवर्ड, है ना, निम्बल मतलब क्विक फुटेड। क्रिकेट के पार्लेंस में कहते हैं कि जितना मेरा फुटवर्क अच्छा होगा, क्रिकेट में बैट्समैन को दो ही चीजें चाहिए, आई साइट और फुटवर्क, इनका आई और फुट का कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो मेरा बोलना है कि यार कोई वो मत लेके चलो कि मैं बुल हूं तो मैं तो साहब परपेचुअल बुल ही हूं, मैं तो साहब बेयर हूं तो मैं बेयर ही हूं। मेरा कहना है कि उसको एक नंबर दो, आप बुल हो तो भी नंबर दे दो। होता है somebody is a die hard bull और कोई डाई हार्ट बेयर है, मेरा कहना है कि डाई हार्ट बुल और डाई हार्ट बेयर से हमें कोई लेना देना नहीं है, नंबर दे दो। ये कहो कि मैं डाई हार्ट बुल हूं लेकिन 8270 मेरा जो नंबर है अभी, जब तक ये प्रोटेक्टेड है मैं बुल हूं। मैं अपनी बात कह रहा हूं कि मैं डाई हार्ट बुल हूं लेकिन मैं 8270 के नीचे का क्लोज आ गया तो मैं भाई शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं डाई हार्ट बुल हूं तो यार मैं शॉर्ट कैसे करूं, लेकिन मैं 8270 के नीचे लॉन्ग नहीं रहूंगा। तो गिव योर सेल्फ अ नंबर ऑलवेज,
ये नंबर आपको प्रोटेक्ट करेगा, दिस विल कीप यू ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट, भले मार्केट आपके फेवर में नहीं है ना, बेयर हो गया, तो ये आपको नंबर बुल ऑर्बिट से निकाल के घर के मतलब मार्केट के बाहर खड़ा कर देगा, इट विल मेक यू स्टैंड आउट साइड द मार्केट, एंड फिर कहीं नीचे जाके कोई फॉर्मेशन आपको दिखे तो आप उसको करें, है ना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू वुड बी रॉन्ग, ये मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, एंड यू क्विट विद स्मॉल लॉसेस, है ना। मेरे स्मॉल लॉसेस क्यों होते हैं, क्योंकि मेरा स्मॉल एसएल स्मॉल है, मेरी क्वांटिटी छोटी है, मेरे साथ खासियत यह है कि मेरे ट्रेड, मेरे 70% ट्रेड गलत है, मैं आपको बोल रहा हूं गलत है, लेकिन मेरे पैसे कुछ भी नहीं लगते, नहीं के बराबर, लेकिन मेरे जो ट्रेड सही जाते हैं उसमें मेरी वॉल्यूम्स जो होती है या तो कमिटमेंट होती है पोजिशन की, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अभी की हम बात करें तो कुछ 9000 के आसपास मैंने पुट क्वांटिटी में राइट किए हुए, 88,000, 81,000, 82,000, 83,000, 84,000, 85,000 प्लस फ्यूचर जो है सारे वो नहीं अपनी मैंने किया हुआ है। और ऐसे आप बात करोगे तो ओरिजिनल पोजीशन चालू हुई थी तो 4 लॉट से चालू हुई थी, 4 पुट राइट किए थे मैंने 100 की क्वांटिटी, ये मेरा पहला ट्रेड था, उसी दिन क्वांटिटी जंप होके शाम को 9000 पहुंची, सेम डे सेम डे, जस्ट लेटिंग यू नो हाउ आई एम ऑपरेटिंग, है ना। व्हेन राइट फॉलो द रूल ऑफ 72, इज दैट क्लियर सैप? सैप पे शायद एक सवाल था, है ना, ठीक है। तो सैप इज नथिंग बट सेमी एनुअल पिवट, जो साल में मैं 2 बार निकालता हूं, ठीक है। कैन समबडी कैलकुलेट एंड शो कि हम वो 8269 पे कैसे पहुंचे, किसी के पास है क्या निफ्टी के नंबर्स? तो एनीवे सैप हम दोज हु आर नॉट फैमिलियर, साल में 2 बार ये पिवट निकालते हैं। पहली विंडो होती है 1 जनवरी से 14 जनवरी, ये वॉच विंडो है, 1 जनवरी से 14 जनवरी, इसमें 1 जनवरी का ओपन है, 14 जनवरी का क्लोज है, ये दो नंबर तो क्लियर है। 14 को छुट्टी है तो हम 15 ले लेंगे, है ना, 15 को छुट्टी है तो हम 16 ले सकते हैं या 13 ले सकते हैं, मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास। तो इसमें हम क्या करेंगे, ओपनिंग डे का ओपन, लास्ट डे का क्लोज, और 1st to 14 जनवरी के बीच का हाईएस्ट हाई जो भी होगा और लोएस्ट लो जो भी होगा, तो 4 नंबर आ गए, ओपन एंड लो, हाईएस्ट हाई, लोएस्ट लो, सबको जोड़ दो, डिवाइड बाय 4, इससे आपको पिवट मिल गया। अभी का पिवट हमारा जो था 1st January to 14 January का, वो पिवट है 8270, राउंड फिगर में बात कर रहा हूं। अब 8270 तो शार्प नंबर हो गया है ना, तो हमने मैंने अपने हिसाब से उसको एक मार्जिन दिया हुआ है कि भाई इसको थोड़ा कुशन देना पड़ेगा, तो 8270 प्लस 30, 8270 माइनस 30, तो मेरे 2 पॉइंट्स निकल गए, 8240 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया, 8300 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया, ठीक है। अब जब तक मेरा बाजार 8270 के ऊपर है, अगर आप देखेंगे 1st to 14 January में 8270 के ऊपर क्लोज हुआ तो हम 91 तक आ गए, ये तो हमारा एक राउंड हो गया, उसमें विप्सॉस भी हो सकते थे, विप्सॉ होते कहीं ना कहीं तो वो दूसरी साइड में आपको पैसे दे देता, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत तगड़े पैसे देगा, सैप देगा। मेरा बैक टेस्टेड है, मेरे पिछले 4-5 साल का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि गैन को जब आप यूज कर रहे हैं, देखिए गैन को जब मैं यूज करूंगा, गैन चक्री में कोई भी नंबर है उस नंबर को मैं दोनों तरफ यूज कर सकता हूं, बुल में भी बेयर में भी, लेकिन मैं उसको यूज करता हूं सैप की साइड, यानी अगर मार्केट सैप के ऊपर है तो मैं गैन चक्री को यूज करूंगा बुलिश ऑर्बिट में, बेरिश ऑर्बिट में नहीं यूज करूंगा, और गैन, और अगर सैप के नीचे बाजार चल रहा है तो मैं उसको वहां यूज करूंगा। एंड सैप हैज गिवन मी ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल द फाइनेंशियल फ्रीडम इन द लास्ट 5 years, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, मेरा जो पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो सैप से डिफाइंड है। अच्छी बात ये रही है कि हमारे साथ बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं, खासतौर पर इंदौर चैप्टर के, जिन्होंने सैप को लगाया है कमोडिटीज में भी और काफी जगह लगाया है, और वो उतना ही इफेक्टिवली सब ग्रुप परफॉर्म कर रहा है। तो साल में 2 बार निकलेगा, पहला 1st to 14 January निकलेगा, 15 January से चालू करेंगे उसको यूज करना, उसको यूज करेंगे कहां तक, 14th July तक। सर,
नहीं, मेरा ये बोलना है कि देन व्हाई नॉट हैव अ वीकली सैप, देन व्हाई नॉट हैव अ मंथली सैप, एंड देन व्हाई नॉट हैव अ क्वार्टरली सैप. तो देयर इज अ रीजन, आई विल कम टू इट, है ना. मैं हूँ स्टैटिस्टिकल का बंदा, एंड ऑफ द डे मेरी जो स्ट्रेंथ है ना वो स्टैट्स है ना. मेरी जो कंपनी की ब्रेड एंड बटर है वो स्टैट्स से चलती है ना. मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, वो दुनिया के सारे पॉसिबल एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मैं आपको कह रहा हूं कि ये दो जगह विंडोज को यूज की. आप जो आपके एग्जिस्टिंग टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करें. सैप को रखिए सिर्फ ये समझने के लिए कि मुझे बुल होना है या बेयर होना है, सिर्फ. बाकी आपके टूल्स यूज कीजिए. जहां तक मेरा सवाल है, सैप और गैन चक्री के अलावा मैं कुछ भी यूज नहीं करता हूं. मेरे को पिछले 5-7 साल में 2-4 बार मौका मिला है, नरेश जी के ऑफिस जाता हूं तो ये मुझे कुछ चार्ट्स दिखा देते हैं, अदरवाइज मैं चार्ट नहीं देखता हूं. मैं कोई इंट्राडे चार्ट नहीं देखता हूं, मैं कोई हिस्टोरिकल चार्ट नहीं देखता हूं. मुझे चार्ट की मेरे लिए कोई रिलेवेंस नहीं है. मेरी रिलेवेंस है सैप सबसे पहले, और उसके बाद ज्ञान चक्र. मैं थोड़ा ऐड कर देना चाहता हूं, जो सर ने निकाला है स्टैटिक्स के बेसिस पे निकाल रखा है. लेकिन इसको मैं ओवरलैप करता हूँ तो साइकिल से साइक्लिक स्टडी करते हैं, दैट इज 13 मंथ्स 9 मंथ्स की साइकिल को लेके चलता हूँ कि दोनों सैप का जो पोर्शन है वो 6 मंथ का गैप पे है. 9 मंथ की साइकिल ओवरलैप कर जाती है इसको. एनीवे, जब भी आप सैप निकाल रहे हैं तो एक साइकिल आपको ओवरलैप करके मिल रही है. जनवरी में निकाला है तो अगर पिछली साइकिल चल रही है तो 9 मंथ की ओवरलैप कर जाएगी उसको. तो ऑटोमेटिकली वो साइकिल पे आप जो भी वैल्यू एक निकाल रखी है उससे नीचे जाने पे आप नेगेटिव जा रहे होंगे या पॉजिटिव जा रहे होंगे, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल में आप एंटर कर रहे हो. मैं he's pretty right. मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने ये जो नंबर्स निकाले हैं ना, मैंने पूरा स्टैटिस्टिकल स्टडी करके आपको निचोड़ दे रहा हूँ, है ना. मतलब मेरे पास फिर मेरे प्रोप्राइटरी टूल्स ला के और पुराना बैक टेस्टिंग आपको दिखाना पड़े उसकी जरूरत नहीं ना. मैं आपको रेडीमेड चीज बता रहा हूँ. मैं आपसे सीधे ये कह रहा हूँ कि जो पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं ना, मेरी पूरी ट्रेडिंग इस पे आधारित है. जो कुछ मैं कर रहा हूँ आज की तारीख में, एक भी चीज छुपी हुई नहीं है. क्या पार्ट इसमें आप लोगों से छुपा है, छोटा सा, मैंने जान करके नहीं डिस्कस किया है, वो है टाइम स्टडीज. वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि टाइम स्टडीज में मेरे पास अभी भी कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं है. जिस दिन कॉन्क्रीट आंसर आ जाएगा ना, मैं उठा के वो भी आपसे डिस्कस कर लूंगा. तो जब नहीं है तो मैं आपसे क्यों करूं. बट सैप इज वर्क गोइंग टू वर्क, सैप इज गोइंग टू रॉक. अभी आपके सामने 4-3 दिन पहले वो रॉक कर चुका है, और वो आपको कहीं ना कहीं पैसे देता. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 8300 8270 करके लौट गया तो हम बादशाह हो गए. फॉरगेट इट यार. मैंने 8300 पे बनाता पोजिशन, वो नीचे आता 8240 ब्रेक करता, वो आपको वहां पैसे दे जाता. वो बदमाशी करता, बोले मैंने 8240 से भी 100 पॉइंट नीचे गया. 100 पॉइंट लेने वाले हम हैं नहीं, क्योंकि 60 पॉइंट दे रहे हैं तो 100 तो नहीं लेंगे ना. 180 जब तक नहीं देगा आधा प्रॉफिट भी बुक नहीं करेंगे. वो वहां से वापस लौट के आ जाता बदमाशी में, फिर 8300 उड़ा देता. तो 60 एक बार लगे थे, 60 दूसरी बार लग गए, 120 जमा हो गए ना, 120 लग गए, कोई बात नहीं. फिर वो 83 से जो चलता तो शायद आपको 9300 पे छोड़ देता जुलाई के लिए जाके. तो स्टॉप लॉसेज आर मेंट टू बी ब्रोकन यार, उसको एंजॉय करना चाहिए. मेरे जब जब स्टॉप लॉस उड़ते हैं मैं तुरंत सीसीडी में मिलता हूँ, एक बढ़िया कप कॉफी का पीता हूँ, एंजॉय करता हूँ उसको, दूसरी साइड का ट्रेड डालता हूँ, है ना. और सैप इज फॉर इंडेक्स ओनली और फॉर इंडिविजुअल स्टॉक्स आल्सो? इंडिविजुअल स्टॉक्स आल्सो, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको अपनी पॉकेट स्मॉल एंड ब्यूटीफुल और वोलेटिलिटी को ध्यान रखते हुए उसका लीवे निकालना. जैसे मैंने इंडेक्स पे 30 पॉइंट्स का निकाला हुआ है, तो आपको स्टॉक्स में परसेंटेज वाइज थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज स्टॉक्स आर मोर वोलेटाइल, है ना. इंडेक्स में तो 30 पॉइंट्स 8000 की चीज पे, 9000 की चीज पे मैंने 30 पॉइंट्स में 0.33, वहां कम से कम 1% 0.25% का 1.5% का लीवरेज लीजिए. मतलब डेढ़ आना डेढ़ जाना, मतलब आपका स्टॉप लॉस स्टॉप एंड रिवर्स में 3% हो गया, है ना. कमोडिटीज में उन्होंने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन कुछ बनाया है, आई थिंक यू आर गोइंग टू शेयर इट. तो वो सैप नंबर्स हम मेरे जो हैं वो सैप नंबर्स उन्होंने कमोडिटी में डाल दिए हैं, वो आप देखोगे इट इज वर्किंग ब्यूटीफुली इन कमोडिटी, है ना. कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, ट्रेडिंग इज फन. सो फर्स्ट जून से जो किया है दैट विल फॉलो अप टू जुलाई, एंड अगेन जुलाई 14 तक फॉलो करेगा. जुलाई 14 को जो कैलकुलेशन होगा दैट विल बी अप टू नेक्स्ट
नेक्स्ट मकर संक्रांति 14 जुलाई, लेकिन वॉच विंडो खुल जाती है, यानी 1 जुलाई को नई वॉच विंडो खोल दूंगा, आई एम वॉचिंग फॉर नेक्स्ट 14 डेज, टेबुलेटिंग द डेटा, लेकिन उसको यूज नहीं कर रहा हूँ। यूज तब तक यही होगा, 8270 यूज होगा 14 जुलाई तक, 15 जुलाई को या 14 जुलाई की शाम को भी आप नए सैप नंबर से पोजिशन ले सकते हैं, है ना? 10 में से 9 बार अगले दिन ही सुबह लॉटरी का टिकट आपको दे देगी। चलिए, ट्रेडिंग इज फन, सो टेक इट दैट वे, है ना? कोई भी चीज को या बहुत सीरियसली नहीं लेना है, और खास बात ये होती है रिजिड नहीं होना है, है ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बुलिश ही हूँ, हमारी ऐसी भी तैसी हो जाएगी। केतन पारिक साहब भी बुलिश थे टेक्नोलॉजी मेल्टडाउन में, है ना? तो क्या हुआ उनका हमें मालूम है। मेरा बोलना है हर चीज लाइफ में पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, कोई भी चीज को रिजिड नहीं होना है, इट इज फ्लेक्सिबिलिटी। यार ऐसा हो सकता है 25 के ऊपर है तो 49 आ सकता है, आ सकता है, आएगा नहीं बोल रहा हूं मैं पैसे बनाऊंगा, 49 तक जाएगा तो बनाऊंगा, 25 का मेरा फेल हो गया, नीचे चला गया 16 की तरफ, तो मैं पैसे बना लूंगा भाई, है ना? ये ट्रेन सही नहीं जा रही तो मैं कुछ नहीं, स्टॉप लॉस हिट होगा, दूसरी ट्रेन में बैठ जाएंगे अपन, है ना? ये रखना है। तो जितने हम फ्लेक्सिबल होंगे उतने कामयाब होंगे, जितने हम रिजिड होंगे ये तो ऐसा ही होगा। तो मैं वही चीज ढूंढ रहा हूं, वो मत ढूंढिए। एंड गिव योर फीलिंग अ नंबर, प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाय अ नंबर, नंबर इज इंपॉर्टेंट। देन आई बिलीव विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। लाइक वहां पे हमने डिजिट्स उड़ाए थे लाइक लास्ट प्रोजेक्ट, सेम वे इधर डिजिट ऐड भी करते हैं। सपोज 250 से 490 की जर्नी होगी किसी स्टॉक की, सपोज इट इज एट 250, सो विल इट गो टू नेक्स्ट लेवल एज ए आई मीन 360? Definitely. Okay. उसमें आप सिंपल कीजिए, पहली बात तो ये कि 250 पे है वो स्टॉक, है ना? तो 250 पे आपको नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा 256, रेदर 257, 257, वो 16 का स्क्वायर होगा शायद, yeah, 16 का स्क्वायर होगा, है ना? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वही है, उसकी ब्यूटी 256 या 257 की ब्यूटी डबल है। कैसे? एक तो वो 16 का स्क्वायर है, तो है 56 का 6 उड़ा दूं 256 का, तो बचा 25, वो भी मेरा एक स्क्वायर है। तो 256 या 257 इज नॉट एन ऑर्डिनरी नंबर, एक बार उसके ऊपर है ना। आशु का फोन आया था मेरे पास, ISGC 2250 को, मैंने क्या करूं? मैंने कहा तुझे कुछ नहीं करना है, तू बैठे स्टॉप करेगा, तो वो भी गैंग का प्लेयर है वहां से, तो फिर 3600 पे आ गया। मैंने कहा भाई देख ले 3600 के ऊपर क्या हो रहा है, तो आई थिंक उसमें शायद कुछ 6000 तक कभी फिट कर लें, है ना? तो 256 ऐसे आपको डबल नंबर है आप करें। कोई बहुत छोटी सी चीज है, कोई चीज है जो ट्रेड ही हो रही है, फॉर एग्जाम्पल सुजलवान जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, है ना? लेकिन हम ये कहें कि किसी चीज को आप तभी लॉजिकली एक्सप्लेन कर पाओगे जब उसमें सर्टेनिटी होगी। हम इक्विटी मार्केट या कमोडिटी मार्केट से डील कर रहे हैं, हम लोगों के इमोशन से डील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे करना क्या है, मैं अगर लोग रैशनल हो गए, आप मैं ये सारे लोग रैशनल हो गए, तो स्टॉक मार्केट की जरूरत नहीं है, इट विल कोलैप्स, बिकॉज वी ऑल आर थिंकिंग इन वन डायरेक्शन सेम टाइम। हम सारे बायर हैं तो एक सेलर भी चाहिए ना, है ना? तो सर्टेनिटी कुछ नहीं है, ये प्योरली मेरा तरीका है। मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि ऐसा ज्ञान साहब ने ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं लिखा है, इसीलिए हिमांशु जी ने मेरे प्रेजेंटेशन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ऐड की, आई एम थैंकफुल टू हिम, इट इज WD GAN थ्रू माई लेंसेस, है ना? तो कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिकल रैशनल वो नहीं है। हाँ, इतना आपको कह सकता हूं कि इस पे और सैप पे मेरा सिस्टम आधारित है, बाई द ग्रेस ऑफ साइन आई हैव बीन मेकिंग मनी कंसिस्टेंटली, आई थिंक दैट इज व्हाट आई कैन शेयर। What tomorrow will bring, I do not know. But till today, I have been making money. It's working. Eh? It's working. It's working. And it has given me my financial freedom. As simple as that. Is
देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको यूज करना चाहते हैं। अगर आप बड़े ट्रेड्स डालना चाहते हैं तो बड़े ट्रेड्स में आप इसको क्लोजिंग बेसिस पे यूज कीजिए। जैसे मैंने उस समय जब 8300 पे डाला था है ना, तो मैंने उस दिन स्टॉप लॉस 8240 पर डाला नहीं था सिस्टम में, मैं वेट कर रहा था। मैंने कहा शाम को अगर क्लोजिंग बेसिस तो उसके नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, एक बार। दूसरा ये है कि इसको आप इंट्राडे में, मैं कहता हूं इसका सबसे अच्छा तरीका है इसको इंट्राडे में यूज कीजिए, ऑप्शंस में, ऑप्शंस में इंट्राडे में यूज कीजिए। और कल हम लोग जो सारे मिले थे तो मेरा कहना है कि ऑप्शन राइटिंग में इंट्राडे में यूज कीजिए ना, इंट्राडे में ऑप्शन राइटिंग में कोई रिस्क तो नहीं है आपको, रिस्क शाम को ही शुरू होगी कि अगले दिन आरबीआई गवर्नर साहब ने कुछ कर दिया या फेड ने कुछ कर दिया, इंट्राडे में कीजिए है ना। यू विल कम बैक टू मी विद अ वोट ऑफ थैंक्स। निफ्टी के ऑप्शंस लिक्विड हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कीजिए राइटिंग की साइड पे, यूज द टेबल फॉर राइटिंग है ना। कोशिश कीजिए सैप की साइड का ट्रेड लेने की, नहीं समझ में आ रहा है तो उल्टा ट्रेड भी ले सकते हैं। जहां भी ट्रेड लेंगे कोई ऑप्शन है 101 पे चल रहा है, एक एग्जाम्पल है, आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को तो इसको ऑप्शन को राइट करना है, आप राइट कर दो 101 पे या 100 पे, स्टॉप लॉस ये लगा दीजिए 106। रिस्क कितनी आपकी 6.7 पॉइंट की, 14 पॉइंट आपको मिल जाए आधा बुक कर दीजिएगा 14 पे, बाकी का छोड़ दीजिएगा। अगर वो शाम को आपकी साइड ट्रेड क्लोज हो गया तो उसको ले जाइए है ना, और मंथ के एंड में वो पूरे 101 रुपए जो आपने राइट किए थे वो पूरे आपको मिल जाए, 100 में से 90 टाइम ऐसा ही होगा। तो वो ट्रेड जो इंट्राडे शुरू होता है अगर हैवी इन दी मनी बंद हो रहा है तो उसको छोड़ दो आधा बुक करके, अपने आप आपको पैसे दो। एंड स्टार्ट राइटिंग ऑप्शंस स्ट्रिक्टली ऑन इंट्राडे बेसिस। आई टेल यू नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस व्हेन वी मीट यू गाइस विल बी थैंकफुल टू मी ओनली फॉर टू थिंग्स, सैक एंड इंट्राडे राइटिंग ऑफ ऑप्शंस, डू इट। एनीथिंग एल्स? Your previous question about GAN being logical or otherwise, don't you think there's a component of astro involved as part of the logical background? So definitely, see, there is, if you look at, if you go dig deeper, which I have tried not to, because I want to make things pretty clear and make it as level-headed as possible for everybody. All the cardinal axes which GAN has created, you know, if you look at a GAN sheet, aapko yahan pe astro points bhi milenge. जैसे आपको यहाँ पे 21 मार्च की डेट मिलेगी, यहाँ पर, यहाँ 21 जून मिलेगा, यहाँ पे 21 दिसंबर मिलेगा। ये डेट्स क्या हैं? These dates are planetary influences. That's what they are. I have tried not to get into that because my point here is to give you a system which is very simple, very effective, very easy to use. So I have tried not to get into details. That's only thing. Otherwise, that is the reason GAN imported two pundits from Banaras and one from Mahakal Kinari. Anything else? I'll call it a day. Thank you so much. Bank Nifty or Nifty ke option pe karo. Unke to do hi number hai, aapko malum hai na. Wo dusre stocks pe kyun jaate ho? SKS ka dhoond rahe hain. ढूंढेंगे SKS, आशु को डिलीवरी ले रहा है उसको लेने दो, आकाश प्रकाश डिलीवरी ले रहा है उसको लेने दो, लेने दो है ना, ठीक है। वैसे आकाश प्रकाश हमारे तीसरे कजिन है, मैं, नरेश और आकाश सब एक ही परिवार से, ठीक है। तो मेरा कहना वो मत करो, मेरे कहने पे एक बार बत्ती दो जाके मंडे को, इसको ध्यान में रखते हो, मंडे दोपहर तक तो फोन आपके आना चालू हो जाएंगे। इसमें जो वैल्यू लेना है वो उसका लेना है ऑप्शन का, ऑप्शन की वैल्यू लेके चलना है। यस देयर रिस्पेक्टिव ऑफ द अंडर, पहली बात ये है कि पुट राइट करना है कि कॉल राइट करना है, जो तो उस हिसाब से जो निफ्टी समझो बुल हो रही है तो पुट राइट करो, पुट राइट करोगे ना, बुल हो रही है तो पुट ही राइट करोगे ना। ठीक है, मेरा ये मानना है कि कुछ और बातें अगर रह गई हैं तो लंच टाइम में अपन डिस्कस करते हैं, क्योंकि पीछे और भी गम है,
जमाने में मोहब्बत। थैंक यू।